हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन है मंगलवार और दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे कितना पसीना हुआ है, सब बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाह रही थी फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है और ये मेरी सास ने मुझे गिफ्ट की है। ये ऑनलाइन नहीं है, मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत प्यारी लग रही है। कॉटन की है तो बहुत कम्फर्टेबल भी है। और आज मैंने ये वाला स्टाइल बनाया था, ये देखिए। आज सोच रही थी कुछ अलग करूँ, कुछ नया स्टाइल बनाऊँ, डेली वही जूड़ा बना के, पर मैंने आज ओनी किया है, लेकिन बस ये थोड़ा सा रोल करके सीधा मांग फाड़ा था, रोल किया था बस। और खाना लंच वगैरह तो हम सभी का हो गया है, बच्चे टीवी देख रहे हैं और हम सब, जो मेरी बड़ी वाली दीदी और छोटी वाली सिस्टर है, हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे। तो मैंने सोचा पहले आप लोग से बातें भी कर लेती हूँ, और वो लोग भी बोल रहे थे कि अपने फ्रेंड्स लोग से हमारा बात कराओ। तो मैंने कहा ठीक है दी, मैं तुम्हारा बात कराती हूँ। और ये आप भी मिल लीजिए मेरी सिस्टर से, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स। और ये दी की लड़की है, बड़ी वाली लड़की है। क्या हुआ? ये आपसे कुछ कहना चाह रही है, ये बहुत शर्मा रही है। देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए, बोलो क्या कहना है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी मासी बहुत मेहनत करती हैं। प्लीज़ मेरे मौसी के वीडियो को लाइक करिएगा, उनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी कितनी गर्मी लग रही है, पूरा इसका बाल जो है चिपक गया है। और ये लीजिए, मेरी सिस्टर से बात कर लीजिए, वो लोग भी कह रही हैं कि हमें भी बात करा दो, लो बातें करो। ये छवि वहाँ पे वहीं से देख रही है, वो गुस्सा हो गई, गुस्सा होकर चली गई है। लो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मेरी बड़ी दीदी हैं, ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है। और अभी मैं आप लोग को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ जल्द ही। तो आपको क्या बोलना है, आप भी बोल दीजिए क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंड, मेरी दीदी के वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का दबान। बटन दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, बाय। एडिट करने में भी बहुत टाइम लगता है। इधर देखिए माँ बेटे का सेल्फी टाइम चल रहा है, ये देखिए, ये मुझे लोग भूल गए हैं, हम लोग को छोड़ दिए, आपस में सब सेल्फी बना रहे हैं। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी दीदी के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। प्लीज वॉच भी करिएगा। प्लीज मेरी मासी के वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन मत दबाना भूलिएगा। बात कह रहे हैं, प्लीज प्लीज करिएगा। और अभी मैं मिलूंगी आप लोग से थोड़ी देर बाद, अभी इन लोग से थोड़ी बातें कर लूँ। आप मुझे बताएं मैं कैसे लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप? मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आपने देखा, हम सब बहन एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे, सारे काम हो गए थे, उसके बाद हम बातें कर रहे थे। और हमें जल्दी जल्दी शाम का भी जो डिनर होता है, हमें डिनर भी जल्दी से बना लेना है, क्योंकि आज हम बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं, उन्हें घुमाने जा रहे हैं कहीं पर लेके उन्हें, इसलिए जल्दी जल्दी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैं आटा लगा लेती हूँ और दीदी सब्जी कट कर रही है। आटा गुत्ते गुत्ते बाल खुल जाए तो आप क्या करें? जा रहे करने ना, अच्छा नुस्खा बता रहे हैं हम क्या करना चाहिए। दूसरे को बुलाना चाहिए। दूसरे से बनवा लेते, ये करवा ना, दूसरे से एकदम कुछ जैसे डबल रूल लगा कर भाई। नहीं, दूसरे लगा लगा, मेरे पास तो एक ही कुछ और तो आप लोगों ने देखी कैसे हम बहनों की मस्ती चल रही थी। और अभी मैं किचन में आ जाती हूँ, जल्दी जल्दी से रोटी बना लूँगी और दूसरी तरफ मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि
आलू टमाटर की एक ऐसी सब्जी है जो झटपट तैयार हो जाती है। प्लान नहीं था कहीं जाने का, अचानक ही प्लान बन गया, तो हमने सोचा कि डिनर बना के चलते हैं क्योंकि वहाँ से आने के बाद से काफ़ी टाइम हो जाएगा। और अभी हमने कुछ सोचा नहीं था, बस ऐसे अचानक में ही प्लान बन गया, तो इसीलिए जल्दी जल्दी दूसरी सिस्टर सब्जी कट कर रही है और वो आलू वगैरह छील दे रही है। आप टाइम देख सकते हैं, शाम के 5 बज रहे हैं, 5:10 हो रहे हैं और मैं जल्दी से अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना लेती हूँ। और ये रेसिपी मैंने अपने एक वीडियो में शेयर की है, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है, फिर इसमें मैंने 1/2 चम्मच जीरा लिया है। जब जीरा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। और मैं दूसरी तरफ रोटी भी सेक रही हूँ, तो मुझे दोनों तरफ पूरे फोकस रखना पड़ रहा है क्योंकि रोटी भी ना जले और सब्जी भी ना जले, तो मैं जल्दी जल्दी दोनों तरफ कर रही हूँ। अभी मैंने प्याज डाल दिया है, प्याज को मैं ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेती हूँ, फिर इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये रेसिपी बनती है। और अभी मैं इसमें नमक डाल दूँगी स्वाद के अनुसार, आप जितना क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। फिर मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। फिर मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी कलर के लिए, जिससे सब्ज़ी में कलर अच्छा आए। और फिर मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी। और इधर ये जो है अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है, इसे भी मैं डाल दूँगी। फिर मैं सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे ढक दूँगी ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अभी हम जल्दी जल्दी खाना बना रहे हैं, हम कहीं जाएंगे। ये देखिए जल्दी जल्दी रोटी और आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। अभी बहुत गर्म है यहाँ, हाँ तो उसको सिंकोन डाल दो ना उसी में, और पनीर चला दो इसी में, टोकरी में, हाँ टोकरी में छान लो, टोकरी में छान लोगी तो अच्छे से हो जाएगा ना। नंबर वा देख लो, नंबर से पता चल जाएगा क्या है किसका है। वो दिखाओ पानी जो क्या पानी जैसे आलू को क्या मिलाया है उसमें। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, मैंने इस बड़े से जो परात दिख रहा है इसमें मैंने आलू को मतलब मिक्स कर लिया, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। मैंने चाकू से कट नहीं किया है, हाथों से ही तोड़ लिया है। और इसमें मैंने कस्तूरी मेथी और हींग डाल दिया है। अब इस सारे जो मैंने मिश्रण को तैयार किया है उसे मैं कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लूँगी, पर कढ़ाई जो है वो छोटी हो रही थी इसलिए मैंने इसे इस बड़े से जो पतीला है उसमें मैंने डाल दिया है। और इसमें अच्छी तरीके से पक भी जाएगा क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा बन रहा था तो कढ़ाई छोटी पड़ गई थी। अब तुम बोलो, हम रेडी है, सेल्फी लो, सबका ले रही बात है, चलो लेट हो रहा है, हटाई गमछा क्या क्या हो लॉक करना दिखा रहा ना, लॉक करना हल्का, गैस गैस सिलेंडर, हाथ चाय बनाए हैं बेटा, चाबी चाबी दो, बस थोड़ा सा ही कर रहे हैं ना, ताला लॉक हो गया दीदी, बोलो हाँ कर रहे हैं अभी चल रहे हैं। आओ दीदी बहुत लेट हो रहा है, सब सेफ्टी हो गया, एक ही चीज सेफ्टी बाकी है, चुप रहिए यार, अरे चुप कर रही है, हम बता रहे हैं, आप अंड बंड बोलते हैं दीदी, सब दीदी लॉक कर दिया अच्छे से, हाँ सब अच्छे से लॉक कर दिया, ओके। ओह नो, बारिश शुरू हो गई है,
अनीता दीदी बारिश शुरू हो गई, अब क्या होगा? पापा।